असलम वेलकम टू द टूटोरियल ऑफ़ एल टी एम डिज़ाइन और इससे पहले कि हम लोग एल टी एम सॉफ्टवेयर की तरफ जाएँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ बातों को हम लोग अपने जहन में बिठा लें ताकि एल एम के ऊपर काम करने में हमें आसानी हो तो की स्टेप्स इन द डिज़ाइन प्रोसेस ठीक है हम लोगों ने डिज़ाइन का जो प्रोसेस है उसके चंद अहम उससे रिलेटेड चंद अहम बातों को अपने जहन में रखना है ताकि हमारे पा हमारे लिए एल के ऊपर काम करना आसान हो जाए ठीक है उसमें सबसे पहली चीज़ है स्कीमेटिक कैप्चर स्कीमेटिक कैप्चर क्या चीज़ होती है कि वो सर्किट जो हमारे पास पेपर के ऊपर बना हुआ है या एक किसी बोर्ड के ऊपर बना हुआ है उसको हमने सॉफ्टवेयर के अंदर बनाना है तो अगर एक सिंपल सा आरएलसी सर्किट है रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर का एक सर्किट है तो हम क्या करेंगे कि हमें हमें क्या चाहिए उसके लिए हमें एक रजिस्टर चाहिए ठीक है अगर हमने उसे ब्रेड बोर्ड पर पैच करना है हमें एक इंडक्टर चाहिए ठीक है और हमें एक कैपेसटर चाहिए ठीक है साथ हमें वायर्स चाहिए एक वोल्टेज सोर्स चाहिए ठीक है वोल्टेज सोर्स क्या हो सकता है वो बैटरी होगी बिल्कुल इसी तरह जब हम सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करेंगे एक आर एल सी सर्किट को तो हमें इसी तरह वो वही सिंबल्स चाहिए होंगे हमें एक रजिस्टर होगा उसका एक सिंबल होगा कैपेसिटर होगा उसका सिंबल होगा उसका ठीक है इंडक्टर होगा उसका सिंबल होगा इन्हीं सब को हम साथ सॉफ्टवेयर में अटैच करेंगे वायर्स के थ्रू वो वायर्स के होंगे वो बेसिकली उन वायर्स को आपस में अटैच करने को हम लोग नेट लिस्ट कहते हैं वायरिंग का दूसरा नाम बेसिकली नेट लिस्टिंग होती है ठीक है और ये जो सिंबल्स को हम लोग अटैच करेंगे ठीक है इसको सिंबल्स भी कहते हैं और फुटप्रिंट्स भी कहते हैं ठीक है इन सबको जब हम आपस में अटैच कर लेंगे तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा स्कीमेटिक कैप्चर का जो प्रोसेस है ये भी कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद अगला स्टेप क्या है अगला स्टेप है पी का स्टेप सेटिंग अप द पी सी बी डिज़ाइन एन्वायरमेंट ठीक है इसमें अब हमने पी सी बी डिज़ाइन इन्वामेंट के अंदर जाना है अब यहाँ जाने के दो तरीक़े हैं कि या तो हमने जो स्कीमेटिक बनाई है हम उसी को इस्तेमाल करते हुए पी सी बी डिज़ाइन की तरफ चले जाएं या दूसरा स्टेप यह है कि हमारे पास सर्किट मौजूद है हम लोग डायरेक्टली उसका पी सी बी डिज़ाइन बना दें और औरहैदा से उसके अंदर नेट लिस्टिंग डिफाइन कर दें ठीक है अब जैसे कि नेट लिस्टिंग स्कीमेटिक में होती है पीसीबी के अंदर पीसीबी के अंदर वायरिंग को बेसिकली रोटिंग बोलते हैं तो रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर्स को आपस में जो मैं कनेक्ट करूंगा तो उस प्रोसेस को राउटिंग करेंगे ठीक है ये इंशाल्लाह जब हम लोग पीसीबी की तरफ जाएंगे तब इस चीज़ को डिस्कस करेंगे इसी तरह लेआउट है लेआउट के अंदर हम लोग प्रॉपर डिस्टेंसेस देखेंगे चीज़ों का ठीक है उसका सारा डिज़ाइन देखेंगे कि कितनी मिनिमम स्पेस के अंदर हमारा डिज़ाइन फिट हो सकता है ठीक है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपना पी भी डिज़ाइन करेंगे इस सारे प्रोसीजर को लेआउट कहते हैं ठीक है इसके बाद आता है प्रिपेयर फॉर द मैन्युफैक्चर ठीक है इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कम्पोनेट्स मार्केट में अवेलेबल भी हैं कि नहीं अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे तो हमें जाहिर सी बात है कि उन चीज़ों को बदलना पड़ेगा और उसकी जगह दूसरी चीज़ें लगानी पड़ेंगी ठीक है इसके बाद जनरेटिंग आर्क वर्क एंड ड्रिल फाइल्स और जनरेटिंग डॉक्यूमेंटेशन ये चीज़ें उमूमा स्किप कर दी जाती हैं ये इस्तेमाल नहीं होती ठीक है और सबसे आखिरी स्टेप होता है सबमिटिंग पीसीबी पीसीबी फाइल्स फॉर फैब्रिकेशन चेक ठीक है पीसीबी फाइल क्या होगी वो हमारी सारा पी का जो हमने सर्किट डिज़ाइन किया है उसकी तमाम तर उस फाइल के अंदर मौजूद होगी और उसी की बेसिस के ऊपर उसी की बुनियाद पर हमारा सर्किट आगे हार्ड में मैन्युफैक्चर होगा हार्ड में बनेगा ठीक है तो ये चंद अहम बातें थी ये मैं चाह रहा था कि हम लोगों पहले डिस्कस कर लें ताकि हम लोग एल टी एम पर काम कर सकें तो अब एल टी एम की तरफ जाते हैं तो इसमें हम इस ट्यूटोरियल में मैं एल टी एम डिज़ाइनर सेवनटीन पॉइंट जीरो यूज़ कर रहा हूँ ठीक है अब जिस तरह मैंने बताया था कि डिज़ाइन का सबसे पहला स्टेप होता है स्कीमेटिक का तो स्कीमेटिक के लिए हम लोगों को यहाँ पे भी फाइल एक क्रिएट करनी पड़ेगी तो इसके लिए हम लोग जाएंगे फाइल में न्यू में और प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट में जाने का फ़ायदा ये कि इसके अंदर हम लोग आराम से सेपरेटली फाइल अटैच कर सकते हैं पी प्रोजेक्ट में चले गए यहाँ से हम डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स वाले कॉलम में और इधर से ओके कर देंगे अभी देखें हमारे पास एक और भी प्रोजेक्ट पहले से खुला हुआ है लेकिन जो सबसे नीचे प्रोजेक्ट आएगा वो सबसे लेटेस्ट होगा ठीक है यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और थर्ड ऑप्शन ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट में जाऊँगा अब जैसे मैंने पहले बताया था स्कीमेटिक तो यहाँ मैं स्कीमेटिक क्रिएट कर दूँगा ठीक है ये स्कीमेटिक बेसिकली क्रिएट हो गई ये स्कीमेटिक का विंडो है इसके अंदर हम लोग अपना स्कीमेटिक जो सर्किट जिसकी मैं बात कर रहा था हम लोग वो डिज़ाइन करेंगे ठीक है अब मैंने साथ इसकी पी भी अटैच करना है तो मैं उसी जगह पर दोबारा राइट क्लिक करूंगा और एड न्यू टू प्रोजेक्ट में जा थर्ड ऑप्शन पीसीबी को भी सेलेक्ट कर लूँगा तो अब मेरे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं स्कीमेटिक भी आ गई है और पीसीबी भी आ गया ठीक है अब जो अगला स्टेप है वो था हमारा सिम्बल्स और फुटप्रिंट्स का ठीक है अच्छा कुछ पीसीज़ में ये ऑप्शन होता है कि वहाँ पे ये फुटप्रिंट्स और सिम्बल्स ऑलरेडी एडिड होते हैं लाइब्रेरीज में ठीक है लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं जो जिनके अंदर इन तमाम तरफ फुट प्रिंट्स की और पैकेजेस की ठीक है इंफॉर्मेशन मौजूद होती है सही है तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी ऐड करने का तरीका आप लोगों को बता दूं कि हम यहाँ से टॉप पे डिज़ाइन में जाएंगे ठीक है और इधर से हम जाएंगे ऐड और रिमूव लाइब्रेरी में थर्ड ऑप्शन में ठीक है और यहाँ से देखें ऑलरेडी मेरे पास दो लाइब्रेरी एडिड हैं लेकिन मैं इनको रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं ऐड करना सिखा सकूँगी कैसे ऐड ठीक है अब मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पे कोई लाइब्रेरी ऐड नहीं है तो यहाँ से मैं जाऊँगा इंस्टॉल में ये दो ऑप्शन मुझे देगा एक इंस्टॉल फ्रॉम फाइल है इंस्टॉल फ्रॉम वोल्ड मैं यहाँ से इंस्टॉल फ्रॉम फाइल में जाऊँगा ठीक है और इसके बाद मैं जाऊँगा ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम से फिर मैं जाऊँगा यूज़र्स में और यूज़र से मैं जाऊँगा पब्लिक में पब्लिक से फिर मैं जाऊँगा पहले ऑप्शन पर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और यहाँ से एल में इसके बाद ए डी सेवेंटीन इसकी लाइब्रेरी क्योंकि मैं डोंब्रेरीज ऑलरेडी लोड हो गई अब कॉम्पोनेट अटैच करने के लिए देखें ये सिंबल प्लेस पार्ट ये वाला सिंबल मैं सेलेक्ट करूंगा तो ऑल एडी इहा से चूज में जाऊंगा तो देखें ये सारे के सारे लाइब्रेरीज जो हैं यहाँ पर लाइब्रेरी के जितने भी सिंबल्स और पैकेजेस हैं ये सब का सब इधर लोड हो गया तो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिजाइन करेंगे तो इन्हीं लाइब्रेरीज को यूज करते हुए हम लोग अपना सर्किट कंप्लीट करेंगे इसी तरह मैं चाह रहा था कुछ और सिंबल्स का आप लोगों को बता दूं कि नेट लिस्ट जिस तरह मैं आपको नेट लेबल्स का बता रहा था तो नेट लेबलिंग के थ्रू भी काम हो जाता है ठीक है इसी तरह वायरिंग का मैंने आपको बताया था तो ये वायरिंग के लिए बेसिकली ये वाला जो सिंबल है जिसमें मैंने भी क्लिक किया ये यूज़ होगा सही है और इसी तरह ग्राउंड का सिंबल भी यहाँ मौजूद है वी सी सी जैसे मैंने कहा था कि वोल्टेज सोर्स होनी चाहिए तो ये वी सी सी है अब इसी तरह पी सी बी में जाते हैं पी के अंदर भी इसी तरह मुख्तलिफ सिंपल्स मौजूद हैं जैसे कि ये रोट के कनेक्शन से मैंने आपको कहा था कि पी के अंदर वायरिंग को बेसिकली रोटिंग बोलते हैं पी की लैंग्वेज में ठीक है ये बेसिकली वायरिंग के अंदर ये चीज़ जो हमारी ये चीज़ यूज़ होगी सही है इसी तरह ये प्लेस पैड है वायज़ है ये इनशाला जब हम पी का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम करेंगे तो मेन पॉइंट इस वीडियो का था कि आप लोगों को बता दूँ कि लाइब्रेरीज किस तरीके से लोड करनी है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ठीक है इसी तरह मैं चाह रहा था कि आप लोगों को ये आ जाए कि नया प्रोजेक्ट कैसे बनाना है और उसके अंदर स्कीमेटिक की फ़ाइल और पीसीबी की फ़ाइल कैसे ऐड करनी है कुछ बेसिक सिम्बल्स हम लोगों ने इसमें आइडिया लिया इस वीडियो के अंदर और पीसीबी के कुछ बेसिक सिंबल्स का हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर